खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कर्नाटक की सियासत की, जहां पर सरकार पर सिर्फ बादल ही नहीं मंडरा रहे बल्कि अनिश्चितताओं की बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त कर्नाटक में जो हो रहा है वो किसी भी सरकार के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। 13 विधायकों ने एक साथ विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार के पैरों की जमीन खिसकने लगी है। लेकिन अगर कबूतर आंख मूंद लेगा तो क्या बिल्ली उसे खाएगी नहीं? शायद कांग्रेस वही कबूतर बनी हुई है जो बिल्ली के सामने होते हुए भी आंखें बंद करके बस यही रटे जा रही है कि कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। उत्तरी भारत के ज्यादातर राज्यों से कांग्रेस की हार भी अगर उसकी आंख नहीं खोल पा रही है तो इसमें किसका दोष है? कर्नाटक में अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी जुगत में मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलुरु भेजा जा चुका है और विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा चुकी है। और उधर उससे पहले ही मुख्यमंत्री कुमार स्वामी अमेरिकी यात्रा समय से पहले ही खत्म करके भारत लौट आए हैं। बहरहाल कर्नाटक में विधायकों को तोड़ने फोड़ने का सिलसिला इतना तेज चला है कि सरकार गिराने की हद तक बगावत पर उतरे विधायकों को मुंबई आना पड़ा। कर्नाटक के बागी विधायक मुंबई के एक 5-स्टार होटल में कैद कर दिए गए हैं। पार्टी को डर है कि कहीं एक या दो विधायक को बाहर की हवा लग गई तो उनकी कुर्सी भी भरभराकर गिर जाएगी। इसी के चलते जेडीएस कांग्रेस खेमे में जबरदस्त बेचैनी बनी हुई है। कर्नाटक के राजनीतिक भूकंप के झटके दिल्ली में भी बराबर महसूस किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है और इधर बीजेपी कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। ये साजिश हो या फिर कोई और बात, लेकिन इसमें फायदा तो बीजेपी को ही हो रहा है, क्योंकि इस भूचाल के झटकों का सबसे ज्यादा आनंद बीजेपी लेते ही नजर आ रही है और उनके नेताओं के चेहरे भी चमके हुए हैं। इसी उठापटक के बीच एक नाम तेजी से उछलने भी लगा है कि अगर सिद्धरमैया को सीएम बना दिया जाएगा तो वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे और सरकार के साथ हो जाएंगे। इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एचडी कुमारस्वामी को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का गेम प्लान है। ये एचडी देवगौड़ा और उनके परिवार को पूरे परिदृश्य से गायब करना चाहती है। सिद्धरमैया इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी इस गेम प्लान में शामिल हैं। असल में बीजेपी नेता कांग्रेस के इस्तीफा देने वाले इन विधायकों के बयानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखी। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 3 विधायकों ने मांग की है कि एचडी कुमारस्वामी को हटाकर सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिद्धरमैया के समर्थन में आने वाले विधायकों में सोमशेखर बसवराज और शिवराम शामिल हैं। इससे पहले मुनिरत्न का नाम भी सामने आया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।